दोस्तों आप सभी लोग का टेक्निकल माजिद यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियोस में हम लोग जो है कि वेस्ट बंगाल ज्वाइंट इंटेंस एग्जामिनेशन बोर्ड का ऑनलाइन फॉर्म 2022 का निकाल दिया गया है, तो आज की इस वीडियो में इसी ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करके मैं आपको बताऊंगा। यदि आप जो है कि वेस्ट बंगाल का जो है कि इंटेंस लेवल देना चाहते हैं, इंटेंस एग्जाम देना चाहते हैं, या फिर कहें कि जो है जो इनका स्टेट लेवल इंटेंस एग्जाम होता है, जैसे कि यूपी का होता है, हर एक स्टेट का जो है कि स्टेट लेवल इंटेंस एग्जाम होता है, जिसमें कि आप यूनिवर्सिटी व गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले पाए, जैसे कि इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी या फिर अंडर ग्रेजुएशन, जितने भी कोर्सेस है उसमें बहुत ही आसानी से एडमिशन ले पाए। तो सबसे पहले जो है कि यहाँ पर वेस्ट बंगाल ने 2022 का ऑनलाइन फॉर्म रिलीज कर दिया है, तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इसका ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिलअप कर पाएंगे। बट दोस्तों मैंने कल एक वीडियोज बनाई थी जिसमें मैंने इसके पूरा टाइम टेबल, पूरा शेड्यूल बताया था कि आप इस फॉर्म को कब से कब तक भर सकते हैं एंड पेमेंट कब कर सकते हैं एंड इसकी लास्ट डेट क्या है, सारी चीजें। अगर आपने वो मेरी प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी है तो कृपया जाकर आप वो मेरी वीडियोज चैनल पर जाकर देखें। तो फाइनली चलिए आज की इस वीडियो में हम फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिए। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है wbjeeb.nic.in है, तो आपको इन पर विजिट करना होगा। विजिट करने पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि वेस्ट बंगाल 2022 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा और यहाँ पर लास्ट डेट भी शो हो रही है 10/1/2022, ठीक है। तो फाइनली आपको इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। तो इंटरफेस ओपन होने से पहले आपको अभी तक आपने न्यू कैंडिडेट है तो सबसे पहले न्यू कैंडिडेट को क्या करना होगा, वो रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। तो जब तक ओपन होता है तब तक मैं आपको बताता चलूँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब बटन बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पेमेंट क्या है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए अपनी पेमेंट वगैरह कितनी पेमेंट है। यहाँ पर 500 रुपये, 400 रुपये, SC ST की 400 रुपये एंड जनरल की यहाँ पर 500 रुपये, ठीक है। यहाँ पर पूरा स्टेप बताएंगे कि आपको कैसे पासवर्ड जनरेट करना, क्या चीज़ें कैसे फिलअप करनी है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपको आई एग्री का बटन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ें करनी है वो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर कैंडिडेट नेम, तो मतलब कि आपका जो नेम है आप अपने लिए भर रहे हैं फिर किसी और का फॉर्म भर रहे हैं, तो जिसका भी फॉर्म भर रहे हैं वो वहाँ पर इसका नाम रहेगा, कैंडिडेट नेम एंड उसके फादर का नाम, उसके बाद उसकी माता जी का नाम या फिर मदर्स नेम, उसके बाद जो उसके ड्यू भी हो वो, उसके बाद यहाँ पर जेंडर, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन टाइप्स, मतलब कि आप यहाँ पर क्या देना चाहते हैं, स्कूल कार्ड आईडी या फिर वोटर आईडी, पासपोर्ट या फिर अदर वैलिड, यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर पेन डाल दीजिएगा, ठीक है। सॉरी, आधार नंबर से यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट आईडी कोई भी प्रूफ है, फिर यहाँ पर जो है कि मोबाइल नंबर, यहाँ पर 91, यहाँ पर मोबाइल नंबर एंड यहाँ पर ईमेल आईडी, ठीक है। नोटिफिकेशन के लिए कोई भी नोटिफिकेशन आप तो आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड जनरेट करना, अपने मन से एक पासवर्ड जनरेट करना, उसके बाद ये जो सिक्योरिटी पिन दिख रही है इसमें फिल करना, दिन सबमिट करना। चलिए मैं फिल करता हूँ। तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना कुछ भी एडिट तो नहीं करना, यदि आपको एडिट करना तो यहाँ पर एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फाइनल सबमिट कर दूँ, ठीक है। तो फाइनल जब आप सबमिट कर लेंगे थोड़ा लोडिंग लेगा, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। तो देन आपको यहाँ पर एक बार सारी चीज़ें एक बार रिव्यू कर लेनी है कि मैंने कुछ यहाँ पर गलत तो नहीं कर दिया। तो यहाँ पर लोडिंग हो रहा, तो थोड़ा सा आप लोग वेट करें। तो यहाँ पर देखिए, अभी मुझे इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, फाइनली मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, एग्जामिनेशन सेंटर, अपलोड फोटो, फिर फाइनल समय, उसके बाद पेमेंट करें, ठीक है। तो चलिए मैं एक एक करके सबको कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पर अभी सारी इनकम्प्लीट दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा, आप लोग यहाँ पर देख लें, आप इसको नोट कर लीजिएगा। वैसे भी आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर इसमें चला गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना, देन आपको जो दूसरा स्टेप है उसको पूरा प्रॉपर फिल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतनी सारी चीज़ें फिल है, आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर अपना स्टेट, आपको यदि इन तीनों में से स्टेट से आते हैं तो वो क्लिक कर दे, अन्यथा आदर पर क्लिक कर दीजिएगा यदि इन तीनों में से नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल यहाँ पर फाइनली क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका रिलेशन कौन सा वो आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो देने के बाद उसके बाद यहाँ पर कैटेगरीज आपकी क्या है वो आप कैटेगरी जनरल OBC जो भी है, SC ST जो भी है आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप आइएगा नीचे एंड यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, तो आपको वेट करना होगा। जब भी आपको लोडिंग कुछ इस प्रकार से लेता, तो यहाँ पर मैं इसको नो कर देता हूँ एंड ट्यूशन फीस वगैरह भी इसको नो कर देता हूँ, ठीक है। यदि आप इसको यस करना चाहते हैं, जो FWCT होती है उसको लेना चाहते हैं, तो आप इसको यस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने फाइनली यस कर दिया। उसके बाद चलिए अदर इन्फॉर्मेशन में देखते हैं, यहाँ पर लोडिंग ले रहा है, तो अदर इन्फॉर्मेशन में देखते हैं क्या आ रहा है, आपकी इनकम जो कि कितनी है। तो यहाँ पर बताए गए हैं बिटवीन कितनी है, 2.5 लाख जितनी भी है आपको यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले ऊपर वाला मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये दूसरा स्टेप भी प्रॉपर यहाँ पर फिल कर लिया, तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए, मैं सिर्फ एंड नेक्स्ट
बटन पे क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पे एक और बॉक्स है उसको यस कर देना, ठीक है। यहाँ पर पेज रिलोड हो रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा फाइनली यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन होगा और यहाँ पर क्वालिफिकेशन, अब मुझे यहाँ पर पासिंग जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर इंटर करने पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा स्टेप सक्सेसफुली हो चुका है, पास या फिर अपेयरिंग वो आप यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। उस बाद आपको यहाँ पर ईयर पासिंग आपको डालना होगा कि आप किस ईयर में पास होंगे, तो जैसे 2021 तो 2021 एंड उसके बाद रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको जो रोल नंबर वो डाल दें एंड यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट एड्रेस नेम आपको यहाँ पर, उसके बाद पिन, उसके बाद रिजल्ट मोड आपको रिजल्ट मोड परसेंटेज या फिर CGPA में देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर, फिर मैक्सिमम एंड अपटेंड मार्क्स, उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना। तो आप जल्दी जल्दी यहाँ पर देखिए मैंने सब कुछ प्रॉपर फिल कर दिया, यहाँ पर मैं सेव एंड नेक्स्ट के बटन क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पर यहाँ पर जो है कि तीसरा भी मेरा जल्दी जल्दी सब कुछ हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस, आपको एड्रेस कैसे फिल करना वो आप बहुत ही अच्छे से मालूम है। यहाँ पर विल वा पोस्ट या फिर कहें कि यहाँ पर नंबर नेम मांगेंगे तो यहाँ पर नेम भी ले सकते हैं। यहाँ पर कॉलोनी ऑप्शनल है, उसके बाद विलेज वा पोस्ट, उसके बाद इंडिया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपकी जो वो, उसके बाद पिन कोड, ऐसे ही आपको ये चीज़ें फिल करने के बाद फाइनली CMS क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने फिल कर दिया, देन यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करूंगा, देन यहाँ पर भी यस कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मुझे ये मेरी फोर जो चीज़ें हैं, फोर स्टेप वो कंप्लीट हो चुके हैं फाइनल। उसके बाद मुझे एग्जामिनेशन जो सेंटर वो चॉइस करना होगा, फर्स्ट मैं कहाँ पर देना चाहता हूँ, तो आपको स्टेप बाई स्टेप वेस्ट बंगाल यहाँ पर चॉइस कर देना, ऐसे फिर वेस्ट बंगाल में कहाँ पर आप अपने जिला के यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं, कहाँ पर देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, बट आपको ये चीज़ें ध्यान देनी होनी चाहिए, तीनों चीज़ें डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल में पहले तीनों सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद वहाँ पर चॉइस करता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी, यहाँ पर भी आपको तीनों चीज़ें आपको ध्यान देना है, तीनों डिफरेंट होनी चाहिए, सेम ना होना चाहिए, ठीक है। सेम होगा तो वो फिर सेव इंडेक्स नहीं होगा, इरर बता देगा, ठीक है। तो आपको डिफरेंट तीनों सीरीज जो है डिफरेंट चॉइस करनी है, ठीक है। यहाँ से इधर मैं सबमिट करता हूँ, यहाँ पर ये भी चीज़ें मेरी सबमिट हो चुकी सक्सेसफुल। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना है यानी एंड यहाँ पर सिग्नेचर को अपलोड कर देना है, तो यहाँ पर आप अपलोड कर लीजिएगा अपने। उसके बाद यहाँ पर सबमिट और रिव्यू करेंगे तो आपको जो यहाँ पर सबमिट और रिव्यू है ये भी हो जाएगा, मतलब सिग्नेचर वाला स्टेप भी सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो जो आपने फिलअप किया वो पूरा शो हो जाएगा। उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी, यदि आपने जनरल चॉइस किया है तो 500 रुपये एंड यदि SC ST और भी कुछ चॉइस किया है तो आपको जो है कि 400 रुपये करने होंगे। तो फाइनल दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो है कि इनका ऑनलाइन जो फॉर्म बहुत ही आसानी से फिलअप कर पाएंगे। यदि अभी भी आपको कोई डाउट कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।